सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। मैं बिट्टू जायसवाल, डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट एंड टू टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक पार्टिसिपेंट, तो आज सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। तो आज का मेरा टॉपिक है लोअर बैक पेन को कैसे हम दूर कर सकते हैं एक्सरसाइज के मदद से। ये कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिससे आपका लोअर बैक पेन दूर हो सकता है। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप एक कमर के यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा पेन करता है, मतलब बहुत तीखा पेन है, उसके कारण आपको बुखार आता है रात में, या फिर आप जाके पहले डॉक्टर को दिखाइए, तब जाके डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये सारे एक्सरसाइज आप सभी को करना है जितने भी मैं एक्सरसाइज बताया हूँ। तो ये प्रॉब्लम आती कैसे है, जैसे कि खासकर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रनर को पाया जाता है, जो आर्मी के प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो एथलेटिक्स हैं उसे ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो मैं बता दूं भाई, अगर आप एक एथलीट है, आपका कमर में दर्द उठा हुआ है, तो उसे कैसे छुटाना है मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। इसे आपको डेली करनी है जितनी भी एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को आप कीजिए, चाहे वो गर्ल्स रहें या बॉय, एक्सरसाइज को वो कर सकते हैं। तो मैं जितने भी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मात्र दो दिन में इसकी असर दिखेगी। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इसे रेगुलर 7 दिन तक करते हैं एक्सरसाइज, तो आप कमर दर्द आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो को चलिए आइए देखिए, मैं जितने भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। और लास्ट तक मेरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कमर दर्द किस कारण से उठती है, आखिर आपका कमर दर्द छूट जाता है फिर क्यों होती है, यह मैं लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भुजंग आसन, कोबरा पोज भी इसे कहते हैं। इसे करने के लिए आपको पेट की बल जमीन की ओर लेट जाना है और दोनों हाथों को कंधे के पास लाके आपकी आगे के जो शरीर रहेंगे उसे उठाना है। और याद रखें, आपकी जो सर रहेंगे वो पीछे की ओर तनी रहेगी और आपके निचले हिस्से की जितने शरीर हैं वो जमीन पे लेटे रहेंगे। इसे आप जब करते हैं तो लंबी गहरी सांस लें और सांस को धीमी रखें। इस आसन को आपको 30 सेकेंड या 15 सेकेंड के 3 से 4 सेट करनी है। प्रेयर पोज, इसे करने के लिए आप दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल फैला लें और शोल्डर से थोड़ी हाथों को आगे रख लें और ध्यान दें कि आपके दोनों हाथों की कोहनियाँ वो जमीन पर टच करें और अपने जो हिप हैं उससे फोर्स करें पीछे की ओर, ताकि आपकी जो स्पाइनल हो वो स्ट्रेच हो। इसे अगर आप करते हैं तो आपकी बैक पेन की समस्या दूर होगी। इसे भी 15 से 30 सेकेंड की 3 से 4 सेट करें। रिवर्स रशियन ट्विस्ट, पीठ के बल आपको जमीन की ओर लेट जानी है और दोनों पैरों को हल्की मोड़ लेनी है। और इसे क्या करना है, दोनों पैरों को बाएं की ओर ट्विस्ट करनी है और राइट की ओर ट्विस्ट करना है। इसके भी 30-30 सेकेंड या 15 सेकेंड करके आप होल्ड कर सकते हैं 3 से 4 सेट। हिप ड्रॉप स्ट्रेच, दाएं पैर को उठाएं और बाएं साइड की ओर उसे बेंड करें और वहां पे होल्ड रखें। बाएं हाथ के मदद से आप उसे पकड़ें और फिर उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में आप पैर को उठाए थे, और उसे ड्रॉप करें। फिर बाएं पैर को आप उसी पोजीशन में उठाएं और दाहिने हाथ की मदद से उसे पकड़े अंगूठे को और होल्ड करके रखें, और सर की पोजीशन आपकी बाएं साइड होगी। इस तरह से 15 सेकंड या 30 सेकंड के 4 सेट करें। ब्रिज आसन, पीठ के बल जमीन पर लेट जाइए और दोनों पैरों को अंदर की ओर मोड़ लीजिए, दोनों हाथ आपकी जमीन पर रहेगी, हेड की पोजीशन डाउन रहेगी, मतलब जमीन पर सटे हुए रहने चाहिए। आपको हिप को ऊपर की ओर फोर्स करना है, वहाँ पे होल्ड रखना है 15 से 30 सेकंड। इसके आप 3 से 4 सेट करें। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लोअर बैक पेन की समस्या दूर हो जाएगी। स्पाइनल रॉक, पीठ के बल जमीन पे लेट जाइए और दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और हाथों की मदद से आपको अंदर की ओर घींचना है। इससे क्या होगा, आपकी हिप की जो मसल रहेगी या फिर स्पाइनल की जो मसल रहेगी वो स्ट्रेच होगी। हेड अपर की ओर रखें 30 से 15 सेकंड, 3 से 4 सेट। तो ये जितने भी एक्सरसाइज मैं बताया हूँ, तो स्टार्टिंग में अगर आपको कमर में ज़्यादा दर्द है तो आप इसे 5 सेकंड की सेट लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक्सरसाइज का आपको 4-5 सेट लगाना है। उसके बाद दूसरे दिन अगर करना स्टार्ट किए तो आप फिर अपने सेट को बढ़ाइए, मतलब दूसरे दिन 10 सेकंड का सेट लगाइए, 1 सेट, ठीक है। इस तरह से आपको बढ़ाते रहना है डेली डेली। अगर ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपको जल्द से जल्द बेनिफिट मिलेगा, आपकी कमर दर्द दूर होगी। और दूसरी बात, क्या कारण है जो आपकी कमर में बार बार दर्द उठ जाती है? तो सबसे पहला मैं कारण बता रहा हूँ रनर के लिए, ध्यान से देखिएगा मेरा पैर को। रनर क्या करते हैं, जब वो रनिंग करते हैं, एक तो वो जैसे कि ये हील टच करके रनिंग करते हैं ऐसे करके, ये उसकी मतलब फुट मूवमेंट अच्छी नहीं होगी, वो एक कारण ये हो सकता है रनिंग करते समय, या फिर वो रनिंग करने चले गए बिना स्ट्रेचिंग के, या फिर उसका वार्मअप नहीं हुआ बॉडी, ये दूसरा कारण है। आपका मसल खिंचा जाना या कमर में दर्द उठ जाना दूसरा कारण है। तीसरा कारण हो सकती है ओवरलोड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लोड उठ रही है आपके शरीर में, आपका शरीर का उतना कैपेसिटी नहीं है, इस कारण आप इंजर्ड हो सकते हैं।
ये देखिए ये वीडियो आप जाके देखिएगा, इन्होंने बताया है क्यों इंजरी होती है, क्या कारण है, क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, ये सारा इन्होंने बताया है। आप इनका वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, जब भी आप कोई सामान लिफ्ट कर रहे हैं या आप जिम में वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप कोई सामान को लिफ्ट कर रहे हैं तो आसानी से थोड़ा इसे बेंड कीजिए हल्का सा, ये उठाइए, उठाइएगा तो आपको कोई तरह का इंजरी मतलब घिंचाव नहीं आएगा कमर में। ये हुई बात। और दूसरा बात क्या करते हैं कि जैसे ऑफिस वर्क करते हैं तो वो अगर कंप्यूटर चलाते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं दिन भर बैठ के तो वो ऐसे करके चलाते हैं, ये देखिए उसके स्पाइनल ये और फिर ये हेड का पोजीशन देखिए इस तरह झुक जाता है, ये करके चलाते हैं, इसके कारण कमर में घिंचाव आ सकता है। तो वो और एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मेरा कमर में दर्द हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, तो चेयर पर अगर बैठे हुए हैं तो एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये मूवमेंट कीजिए इधर, फिर ये मूवमेंट चेयर पर बैठे बैठे, इस तरह का आप सेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही सारे एक्सरसाइज थे जिनके मदद से आप कमर में अगर आपका दर्द है तो वो दूर हो सकता है। ये सारे एक्सरसाइज को करके देखिए और बताइए मेरे कमेंट में, अगर आपका कमर दर्द छूटता है या फिर आपका कमर में दर्द है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, मैं बताऊँगा सारे प्रॉब्लम, जो भी रनिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम मैं सारे हेल्प करूँगा। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।